आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो 3 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, ये सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी 2022 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात का सजेशन और दे देना चाहता हूँ। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सुसाइड कर लेने का मन करता है, सर जी इतनी निराशा है। मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपको कभी ऐसी दिली इच्छा हो जीवन को समाप्त करने का, ठीक है ना, तो एक बार आप न्यूरो के हॉस्पिटल में जाकर के जो है घूम आइए, न्यूरो के हॉस्पिटल में, ठीक है ना, जहाँ पे केवल न्यूरो के पेशेंट एडमिट होते हों, आप देखेंगे कि वो जिंदगी पाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा विचार अगर मन में आए तो एक बार आप हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगा लिया करें, आपको स्वयं सारी चीजें वो पता चल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब मेरी भांजी बीमार थी और वो वेंटिलेटर पे थी, जो भांजी मुझे देखते ही मामा मामा करके पीछे पीछे लग जाती थी, वो भांजी मेरे वहां पे 1 घंटे मौजूद रहने पर भी आंख तक खोल करके मुझे नहीं देखी। उस समय मेरे दिल पे क्या पीड़ा गुजरी थी वो मैं ही समझ सकता हूँ। और जब उसका देहावसान हुआ तो जब उसको मैंने गोद में अपने उठाया तो ऐसा लगा कि धरती धस जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगा, है ना। तो कभी भी ऐसा विचार मन में बिल्कुल भी मत लाया करिए, क्योंकि आप तो चले जाते हो लेकिन जिंदगी भर का जो दर्द होता है वो अपने माता पिता को देख के जाते हो, ठीक है ना। सब भूल जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपके माँ बाप को होती है। यार दोस्त भी भूल जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी भूल जाएगा, ठीक है, पड़ोसी भी भूल जाएंगे, भाई बहन भी भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप के सीने में वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो कसक बन करके चलता रहेगा। तो कभी भी ऐसा विचार मन में बिल्कुल मत लाइए। आज के टाइम में यार सबसे बड़ी चीज ये होती, बहुत से लोगों को आज मैंने कई लोगों को डपट भी लगाई इस मुद्दे पे, आज के टाइम में अरे दो इंसान दो हाथ दिए हैं भगवान ने ना, दिमाग दिया है ना, तो कमा सकते हो, अपना खर्च निकाल सकते हो, है ना। तैयारी भी करते रहिए और डिपेंड अपने आप पे होइए। कब तक माता पिता से चवन्नी अठन्नी लेते रहोगे भैया, हैं? अब आप कहेंगे कि आप तो सर्विस में हो, पैसा कमा रहे हो, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब मैं मेरे घर में मेरे 3 भाई, 3 भाई, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरे जो भैया बड़े वाले भैया वो इसमें अयोध्या के व्यापार कर कमिश्नर, लेकिन उनकी स्टडी के बारे में बताऊंगा ना तो आप सभी लोग भी आश्चर्य मान जाओगे, जिस कठिनाई में उन्होंने पढ़ाई करके वो मुकाम हासिल किया है, ठीक है। सेकंड नंबर के भैया भी ऐसे ही प्रयास किए हैं, हालांकि जब उनकी किस्मत चमकी, उनकी मेहनत चमकी, तो उन्होंने एक नहीं, यहाँ पे विद्या लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती, उन्होंने 6-6 नौकरियों को ड्रॉप किया। पहले वो बाटमाप निरीक्षक हुए, उसको ड्रॉप किया, फिर वो ऑडिटर हुए, उसको ड्रॉप किया, प्राइमरी में टीचर हो गए, उसको ड्रॉप किया, टीजीटी में टीचर हो गए, उसको ड्रॉप किया, प्रवक्ता में हो गए, उसको ड्रॉप किया, केवीएस में हो गए, उसको ड्रॉप किया, फिर वो पीसीएस में एआरटीओ पद पर चयनित हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, देखिए ललक होनी चाहिए आपने, वो जब आप में पैदा हो जाएगी ललक कि हाँ हमें कुछ करना है, तो ये नहीं लगेगा हाँ एग्जाम डेट नहीं आ रही है, ये नहीं होगा कि रिदम नहीं बन पा रहा है, ये नहीं होगा कि यह पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड फोन करके परेशान कर रही है, उससे चलो मिल के आते हैं, ये सारी कंडीशन आपकी जो है वहीं पे दम तोड़ देंगी जब आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा,
फिर एक ललक हो जाती है एक मन में कि भैया जब तक आप, जैसे कहते नहीं नशेड़ची होता है जो, है ना, नशेड़ची बिना नशा किए उसको चैन सुकून नहीं मिलता है ना, तो ऐसी ही कंडीशन होती है। ठीक, आप जब पढ़ाई की आदत डालोगे ना तो बिना 7-8 घंटे पढ़े आपको चैन ही नहीं मिलेगा, नींद ही नहीं आएगी महाराज, उठ करके बैठ जाओगे कितना भी सोने की कोशिश कर लो। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी खाना खाने के बाद नींद आने लगती तो पढ़ाई कैसे करें। अरे भैया तो के कहा था कि नटाई तक खा ले जम्बा, हैं, पहले पढ़ लो उसके बाद खाना खाओ, या पहले खाना खा लो 1-2-3 घंटे सो लो उसके बाद 10 बजे से उठ करके 3 बजे रात तक पढ़ो, क्या दिक्कत है, कौन रोकने आ रहा कौन टोकने आ रहा है। लेकिन समस्या यही होती है और सफलता का राज भी यही होता है, हमने भी उस चीज को फेस किया है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को आज सजेशन दे रहा हूँ। चलिए, रही बात आपके टीजीडी पीजीडी के एग्जाम को लेकर के, तो आज शिक्षा सेवाचन आयोग हम सभी लोग गए थे और शिक्षा सेवाचन आयोग से कुछ बातें हमारी स्पष्ट हुई हैं। पहला ये कि आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीडी पीजीडी के जो एग्जाम शेड्यूल है, मतलब जो डेट है, वो जून महीने में ही घोषणा उसकी कर दी जाएगी ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले आप लोगों को टीजीडी पीजीडी ही देखने के लिए मिलेगी, एलटी और जीआईसी आप लोगों की थोड़ा सा एक्सटेंड होगी, ठीक है ना। और ये परीक्षा आप सभी लोगों की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगी, मतलब आरओ आरओ का पहले, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रॉप का, ठीक है। और सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि जो ये प्री मेंस वाला सिलेबस है इसको मंजूरी के लिए शासन को प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है ना। जो प्री मेंस का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया है उसको आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, रूपरेखा भी बोल सकते हैं, इसको गवर्नमेंट के पास भेजा है इन्होंने, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन ये बात तो अब क्लियर हो गई कि आपके परीक्षा कैलेंडर में एलटी और जीआईसी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दीजिए। 9947485 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी स्टार्ट कर दी है और चुनाव परिणाम 4 जून को आने के बाद, अभी फिलहाल एग्जिट पोल आ जाएगा 1.5-2 घंटे में, है ना, 6:30 बजे से शो करने लगेंगे, लेकिन 7-7:30 बजते आप लोगों को पूरा डेटा मिल जाएगा कि हाँ कौन पार्टी कितनी सीटें निकाल रही है, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एग्जिट पोल होगा, चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन इसके बाद जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे ताबड़तोड़ ढंग से आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि 27 नहीं एक्सटेंड किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, ठीक है ना, क्योंकि मोदी जी ताबड़तोड़ काम कर देंगे 2-3 साल में निपटा देंगे। और उनकी कोशिश ये होगी कि जिनका जिन विधानसभाओं का समय 25 में समाप्त हो रहा है एक्सटेंड करके उनको 27 तक ले जाया जाए, ठीक है, और सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की वो कंप्लीट की जाए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए। और थोड़ा सा दिक्कत इस बात को लेकर के आ रही है कि अभी इस चीज़ को क्लियरेंस मिल जाए कि आपका प्री मेंस होगा कि केवल एक लिखित परीक्षा पे आपकी एलटी ग्रेड फाइनल होगी, ये मुद्दा आप सभी लोगों का 5 तारीख तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज जन सूचना अधिकारी महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि शासन से हमने सिर्फ इस चीज का एग्रीमेंट मांगा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि हमने जो सिलेबस तैयार किया है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं प्री और मेंस का, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव की जगह पे ऑब्जेक्टिव मेंस हो सकता है आप सभी लोगों का, वो जीआईसी लेक्चरर के लिए भी और आपके टीजीटी के लिए भी, ठीक है ना, दोनों प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की होंगी, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी आप सभी लोगों को एग्जाम डेट वो 20 जून के पहले पहले आप लोगों को एग्जाम डेट दे देगा, ठीक है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से एग्जाम डेट आपका आ जाएगा। सूचना ये प्राप्त हो रही है कि जुलाई में आप लोगों की परीक्षा 110% होने चल रही है, इसमें कोई दोहराया नहीं, ठीक, जुलाई, एक एक दो चरण आपके जुलाई में और एक आध चरण आपका अगस्त में, ये कन्फर्म है। तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर आपने तैयारियां नहीं शुरू की हैं तो, और सितंबर के महीने में आप सभी लोगों को यूपीएसआई मतलब दरोगा की भर्ती का पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। एक बात और, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को लेकर के भी 5 जून तक डिसीजन हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने फिर से लेटर भेजा है गवर्नमेंट को कि इन विद्यार्थियों का क्या करना है, गवर्नमेंट इस चीज को स्पष्ट कर दे तो ज्यादा सही है। तो आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए केवल अकेला बंदा मैं ही प्रयास कर रहा हूँ, जिनको चाहिए वो नहीं प्रयास कर रहे हैं, समझ रहा है ना, जिनको चाहिए एज रिलैक्सेशन वो खुदा वो नहीं बोल रहे हैं, क्या किया जा सकता है। ठीक, इसमें आपको परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित होकर के चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप सभी लोगों के लिए न केवल आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करता है, अपितु आप लोगों के लिए कड़कती धूप में भी निकल करके प्रयास करने वाला चैनल है। और जो बातें मैं कहता हूँ ना, वो डंके की चोट पर कहता हूँ, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वही बातें आप सभी लोगों के सामने घूम फिर करके आती हैं यथार्थता में। अब इस चीज को आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, लेकिन रिजल्ट आप लोगों के सामने होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। और हमारे नोट्स चाहिए तो बिंदास आप लोग 9741385 इस व्हाट्सएप नंबर से बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।